नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। श्रीमद्भागवत के दसवें स्कंध में वेद स्तुति नामक एक अध्याय है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शब्द ब्रह्मात्मक वेद के अभिव्यंजक भी हैं और प्रतिपाद्य भी हैं। स्वयं श्रुतियाँ उनका यशोगान करती हैं। यद्यपि निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व वेदों का साक्षात विषय नहीं हो सकता, श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध में तत्व को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वदन्ति तत्तत्त्वमिदस्तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयं यत् अद्वयं ज्ञानं तत्तत्त्वं ज्ञाता ज्ञानज्ञे। यह जो त्रिपुटी है उसके मध्य में जो ज्ञान है उसे आश्रय के रूप में ज्ञाता की और विषय के रूप में ज्ञेय की अपेक्षा होती है, अद्वय नहीं है। वह तत्व इसलिए नहीं है क्योंकि सापेक्ष है। त्रिपुटी से अतीत जो ज्ञान है जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों की प्रतीति माया से होती है, वह अद्वय बोध ही तत्व आत्मा ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहने योग्य है। इस तथ्य का प्रतिपादन श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध में किया गया है। एकमेक तरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयम तत्र यो वेदा स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। द्वादश स्कंध में इस तथ्य को समझाने के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। नील पीत श्वेत इत्यादि रूप अद्भुत सिद्ध होते हैं। अतीन्द्रिय नेत्र के द्वारा उनका ग्रहण होता है तथा नेत्र को अध्यात्म माना गया है और उद्दीपक दीपक उसका भी मौलिक स्वरूप सूर्य मान्य है। सूर्य भगवान को अधिदैव माना गया है, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ग्राह्य ग्राहक भाव सजाति में होता है, वह जाति में नहीं। सजाति ही सजाति का ग्रहण कर सकता है। रूप भी तेजोनिष्ठ गुण विशेष होने के कारण तेजस है। नेत्र भी वेदांत प्रस्थान के अनुसार तेजस ही सिद्ध है। सूर्य भगवान तो तेजस हैं ही, जैसे रूप के बिना भी तेज है, तेज के बिना रूप नहीं। नेत्र के बिना भी तेज है, तेज के बिना नेत्र नहीं। सूर्य के बिना भी तेज है, तेज के बिना सूर्य नहीं। वैसे ही दृश्य के बिना या ज्ञेय के बिना भी ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ज्ञान के बिना ज्ञेय नहीं। त्रिपुटीगत ज्ञान के बिना भी अखंड विज्ञान स्वरूप आत्मा है, अखंड विज्ञान के बिना त्रिपुटी के मध्यवर्ती ज्ञान नहीं। ज्ञाता के बिना भी अखंड विज्ञान की सिद्धि है, उस अखंड विज्ञान के बिना ज्ञाता की सिद्धि नहीं। इसी को तत्व कहा है। लेकिन विचारणीय यह बात है कि शब्द की प्रवृत्ति जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर और रूढ़ि को लेकर होती है। श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चर रही है। यहाँ जो शब्द की प्रवृत्ति में हेतु है वह जाति है, गुण है, क्रिया है, संबंध है, रूढ़ी है। लेकिन जो भगवत तत्व है इन सब से अतीत है, अतः अविधा वृत्ति से भगवान में शब्दों की गति नहीं हो सकती। अतएव श्रीमद्भागवत में कहा गया, अन्यत्र भी कहा गया है, अतद व्यावृत्या अतन निरसनेन
जो कुछ अचित पदार्थ अनात्म पदार्थ भाष्य कोटि का दृश्य पदार्थ है और उसके मूल में बीज भूता त्रिगुणात्मिका प्रकृति या माया है, सबका निरसन कर देने पर, अपवाद कर देने पर, सबके मिथ्यात्व को सिद्ध कर देने पर, अर्थात सबकी सत्ता चित्ता प्रियता में हेतुभूत जो ब्रह्म तत्व है उसी को सत्य सिद्ध करने का प्रयास होता है। तो श्रुतियाँ भी साक्षात ब्रह्म में प्रविष्ट नहीं हो सकती, ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं कर सकती हैं, लेकिन वही भगवान जब अपनी अचिंत विद्या माया के योग से सगुण निराकार अंतर्यामी सर्वेश्वर के रूप में व्यक्त होते हैं तो श्रुतियों का कहना है कि कथनचित हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, परंतु संभवाम्यात्म माया तदात्मानम सृजाम्य हम आदि वचनों के अनुसार जब भगवान लीला पूर्वक सगुण साकार श्री राम कृष्णादि रूप में अभिव्यक्त स्वयं को करते हैं तो नाम रूप लीला धाम का आलम्बन मिल जाने के कारण हम श्रुतियाँ उन्मुक्त होकर भगवत स्वरूप का प्रतिपादन करने में समर्थ हैं। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि श्रुति ने अनुरोध किया जय जय अजाम, आप अजा माया को मार दीजिए, बाधित कर दीजिए, क्योंकि इसी के कारण आपके अंश सरीखे जीव अनादिकाल से भवाटवि में भटकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि माया और ब्रह्म दोनों से विलक्षण जो स्तुति करने वाली श्रुतियाँ हैं वो स्वयं क्या है। इस पर विचार करने पर यही तथ्य निकलता है कि न सोचती प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते, लौकिक वैदिक व्यवहार साधक कोई ऐसा बौद्ध प्रत्यय नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। इसका अभिप्राय होता है कि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर में सृष्टि की रचना स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह नामक जो पंच कृत्य हैं उसके निर्वाह करने का जो अनादि सिद्ध ज्ञान उसमें अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। इसका अर्थ यही होता है कि विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति का नाम ही वेद है और निबंधन में डालने वाली जो अविद्या है उसी का नाम यहाँ पर माया है। इस दृष्टि से विचार करने पर जैसे अखंड रज्जु तत्व ही अविद्या के योग से या ज्ञान के योग से सर्पधारा माला के रूप में अभिव्यक्त है, उसी प्रकार भगवान अचिंत्य माया शक्ति के द्वार से ही सृष्टि के रूप में व्यक्त हैं। भगवान लीला पूर्वक अद्वैत ज्ञान स्वरूप होने पर भी स्वयं को जीव जगत जगदीश्वर के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन विचित्र बात है कि महाप्रलय की दशा में जीव जगत जगदीश्वर तीनों भाव भगवान से एकीभूत होकर रहते हैं। भगवान की शक्ति भूता प्रकृति या माया भी भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर या महेश्वर से एकीभूत होकर ही हैं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार जब निमित्त और उपादान दोनों कारण ही भगवान सिद्ध होते हैं तब यह भी निष्कर्ष निकलता है कि जीवनिष्ठ अनादि अविद्या काम कर्म के योग से ही चित्त धातु की विविध रूपों में प्रतीति होने पर भी वास्तव में चित्त धातु परमात्मा के अतिरिक्त सृष्टि में कुछ भी नहीं है। अगर घटपट स्त्री पुत्र सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र अधिभूत अध्यात्म देव के रूप में अन्य रूपों में प्रतीति परमात्मा की हो रही है तो जीवनिष्ठ अनादि अविद्या काम कर्म का ही उल्लेख समझना चाहिए। इस तथ्य को हृदयंगम करने के लिए श्रुतियों ने एक सांकेतिक परिचय दिया कि जगत सचमुच में क्या है, चिदाश्रित है, चिदविलास है, चिदविवर्त है, चिन्मय है, अंत में चिन्मात्र ही है। जब इस प्रकार की धारणा परिपुष्ट हो जाती है कि भगवत तत्व ही स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में जीव जगत जगदीश्वर के रूप में व्यक्त है तब भवाटवी में भटकने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध के बल पर जीव भवसागर को तर जाता है। भगवान अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर श्री राम कृष्णादि रूपों में अवतीर्ण नहीं होते, अतएव उनकी लीला का वर्णन करने पर, नाम का जप करने पर, रूप का ध्यान करने पर, अपने हृदय को भगवत धाम बना लेने पर या भगवान के साकेत अयोध्या वृंदावन आदि धाम में निवास करने पर, यमुना जल आदि का सेवन करने पर
महायज्ञ से यज्ञ से ब्राह्मीयम कृते तनु के अनुसार व्यक्ति के जीवन में देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का शोधन होता है। इस संदर्भ में एक विचित्र बात यह है कि वेदस्तुति के प्रारंभ में जो भूमिका के रूप में बातें कही गईं उसका अभिप्राय यह होता है कि बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर लीला पूर्वक अनादि जीवों के एक काम कर्म को ध्यान में रखकर उसे देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान करते हैं। यह जीवार्था सृष्टि का वर्णन है, लेकिन उसके लक्ष्य को उद्भाषित करते हुए कहा गया है मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। अर्थ धर्म काम और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि जीवों को हो सके, इसीलिए करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर सृष्टि की संरचना करते हैं। यद्यपि महाप्रलय में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक जीव और जगत भगवान से एकीभूत होकर ही रहते हैं, उस समय किसी प्रकार के ताप की, द्वंद्व की, कामादि विकारों की, मृत्यु के भय की पहुँच नहीं होती। तथापि महाप्रलय जो है पुरुषार्थ भूमि नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुषुप्ति हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होने पर भी पुरुषार्थ भूमि नहीं है, एतावता महासर्ग की दशा भगवान लाते हैं ताकि जीव केवल अर्थ काम तक न उलझें, धर्म का आलंबन लेकर अपवर्ग अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, जो आपकी नाम, आपके नाम, आपके रूप, आपकी लीला, आपका आपके धाम का आलंबन लेते हैं वो सुगमता पूर्वक भवसागर से तर जाते हैं। रामचरितमानस में भी जो श्रुतियों ने स्तुति की, सगुण यश नित गा वही उन्मुक्त होकर तो हम सगुण साकार परमात्मा का ही यशोगान कर सकती हैं, क्योंकि परमात्मा का जो तात्विक स्वरूप है लीला के योग से भी सर्वथा विमुक्त है। उसमें तो हम श्रुतियों की साक्षात गति नहीं है, हम श्रुतियों को भी उन्मुक्तता प्रदान करने के लिए, एक प्रकार से कृतार्थता प्रदान करने के लिए, सार्थकता प्रदान करने के लिए आप निरावरण ब्रह्म श्री कृष्णादि का रूप धारण करते हैं। इसलिए आनंद मात्र करपाद मुखोदर आदि विचार करके देखा जाए तो जैसे भगवान सूर्य किसी पर अनुग्रह करके विग्रह का रूप धारण करें तो उनके नेत्र के रूप में भी सूर्य, नेत्र के अधिदैव के रूप में भी सूर्य, रूप के रूप में भी सूर्य, करपाद ये सब सूर्यमय ही होंगे, तेजोमय ही होंगे। इसी प्रकार हे प्रभु, जब आप राम कृष्णादि रूपों में अवतीर्ण होते हैं तो बाह्याभ्यंतर सब कुछ सच्चिदानंद स्वरूप ही होता है, जल ही उपल विलग्ने जैसे। उदाहरण क्या है कि जल में अनागंतुक शैत्य है, उसकी प्रगल्भता वायु के निमित्त से हो जाने पर हिम का रूप धारण कर लेता है जल। उसी प्रकार से भगवत विग्रह जो है वेदस्तुति के अनुसार साक्षात सच्चिदानंद तत्व ही है, भगवत विग्रह का उपादान सच्चिदानंद तत्व ही होता है। जैसे हिम का उपादान साक्षात जल ही होता है, केवल लीला शक्ति की प्रगल्भता से भगवान सगुण साकार श्री रामकृष्ण आदि रूपों में परिलक्षित होते हैं, लेकिन विचार करके देखें तो उनके विग्रह में किसी विकृति की पहुँच नहीं होती। इसी का नाम है आत्मार्था सृष्टि, संभवाम युगे युगे संभवाम्य आत्ममाया। तो आत्मार्था सृष्टि को लेकर भगवान दिव्य धाम की परिकरों की संरचना करते हैं, स्वयं के विग्रह को भी स्वीकार करते हैं। यह भगवान का अनुग्रह है ताकि जीवार्था सृष्टि जो है उसमें घूमने वाले, रमण करने वाले, भटकने वाले जीव जन्म और मृत्यु की अनादि अदस्य परंपरा का सुगमता पूर्वक उच्छेद करें। जब भगवान आत्मार्था सृष्टि को लीला पूर्वक व्यक्त करके स्वयं के नाम रूप लीला धाम को अभिव्यक्त करते हैं, उनका आलंबन लेकर ये जो जीव हैं अपने जीवार्था सृष्टि से विमुक्त होकर भगवत धाम को, भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं। नारायण कितने